दोस्तों सन फार्मा के शेयर के ऊपर में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सन फार्मा से शेयर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज क्या है? तो तीन मेजर न्यूज है दोस्तों इससे रिलेटेड। नंबर वन, इसका जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया दोस्तों, उसमें नेट प्रॉफिट में एक जंप देखा गया 11.14% का, जो एस्टिमेटेड फिगर से कहीं अधिक था दोस्तों। इसके अलावा कंसोलिडेटेड नेट सेल्स में एक शियर जंप देखा गया, वो था 11.61% का, जो 9,863.06 करोड़ था, और वो हायर था इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दिसंबर 2020 से दोस्तों। इसके अलावा सन फार्मा अपने 6 साल के हाईएस्ट प्राइस पर ट्रेड हो रहा है दोस्तों, जो एक सिग्निफिकेंट न्यूज है दोस्तों। इसके अलावा जो 31 जनवरी को डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था, तो दोस्तों 9 फरवरी, मतलब जब कल मार्केट खुलेगा 9 फरवरी को, तो वो एक्स डिविडेंड हो जाएगा 7 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, जो डिविडेंड का पे आउट होगा दोस्तों, जो फेस वैल्यू से देखें तो 700% का ये डिविडेंड का डिक्लेरेशन है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों सन फार्मा शेयर की एक एनालिसिस करेंगे, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस होगी, और उसके बाद प्राइस चार्ट पर चलेंगे, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस करके सन फार्मा शेयर के टारगेट को निकालने की चेष्टा करेंगे। दोस्तों आपके चैनल के ऊपर में सन फार्मा के ऊपर में एक वीडियो आया था जून जुलाई 2021 में, और उस समय पे एक वैल्यू बाइंग के बारे में चर्चा की गई थी उस वीडियो में। उस समय पे प्राइस करीब 600 odd रुपीज पे ट्रेड हो रही थी, और उस समय पे टारगेट जो बताया गया था वो टारगेट अचीव हो चुका है दोस्तों। तो अब अगला टारगेट क्या है, इसको हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। एक और इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों, इंडियन फार्मा सेक्टर पिछले 5-6 महीनों से एक डाउन ट्रेंड मूव में है, टू बी वेरी प्रिसाइज अक्टूबर 2021 से दोस्तों। तो क्या उसमें बहुत जल्दी ट्रेंड रिवर्सल की संभावना है और कई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इसके ऊपर में हम वीडियो को लेके आ रहे हैं दोस्तों अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और बेल आइकन को जरूर एनेबल कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें दोस्तों। तो चलिए पहले सन फार्मा के ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। दोस्तों सन फार्मा के शेयर ने पिछले 1 साल के दौरान निफ्टी 50 जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसे 25% से आउट परफॉर्म किया है। तो एक हाई अल्फा स्टॉक है दोस्तों। वहीं दोस्तों इस स्टॉक का प्रॉफिट ग्रोथ जो रहा है 149.8% रहा है, जो इंडस्ट्री में काफी हाई है दोस्तों। इसका पायस्ट्रॉकी स्कोर जो है दोस्तों वो 7 है, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है, और पीबी रेशियो 4.3 है, जो इंडस्ट्री के मीडियन से नीचे है। तो वैल्यूएशन टर्म्स में भी ये इसके फेवर में जाता है। इसका आरओसी अगर देखें पिछले 3 साल के एनुअल एवरेज को, तो वो है 12.1% का दोस्तों, जबकि बीटा इसका जो है वो 0.74 है सिर्फ दोस्तों, जो एक लेस वोलेटाइल स्टॉक है, एंड हेंस लेस रिस्क की कैटेगरी में हम इसे डाल सकते हैं दोस्तों। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार ये एक मार्केट लीडर है, और वहीं पर टीटीएम बेसिस पे अगर पी रेशियो को देखें दोस्तों तो 33.4 है, जो इंडस्ट्री के मीडियन से नीचे है। तो वैल्यूएशन टर्म्स में भी इतने ऊपर जाने के बाद भी अच्छा नजर आ रहा है दोस्तों, और टीटीएम बेसिस पे पेग रेशियो 0.2 है दोस्तों, जो इंडस्ट्री के मीडियन से कम है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं, ताकि मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस पर संभावनाओं को तलाशेंगे सन फार्मा के शेयर के प्राइस चार्ट पर। सन फार्मा शेयर की टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं दोस्तों मंथली प्राइस चार्ट से, ताकि टॉप डाउन अप्रोच को हम अडॉप्ट करेंगे
और प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून करते हुए इसके प्राइस एक्शन को समझेंगे और प्राइस टारगेट को निकालने की चेष्टा करेंगे। दोस्तों इस स्टॉक ने लाइफ टाइम जो हाई बनाया था अप्रैल 2015 में बनाया था 1280 रुपए का, और उसके बाद एक मासिव डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखें दोस्तों, तो यहां पर 2008 के बेयर मार्केट के बाद जो बुल रन की शुरुआत हुई, ये कंटिन्यूअसली मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता हुआ चला गया। और यहां पर अगर देखें इस दौरान में जो बुल रन चला मार्च 2009 से लेकर अप्रैल 2015 तक, इस दौरान में दोस्तों 6 इयर्स के पीरियड में इसमें जो करेक्शन हुआ है वो हार्डली टाइम करेक्शन है या माइनर प्राइस करेक्शन है इस दौरान में। तो हम इसे एक मेजर इंपल्सिव वेव का दर्जा दे सकते हैं एंटायर बुल मार्केट के दौरान में दोस्तों। और यहां पर जो करेक्शन हुआ दोस्तों, ये करेक्शन देखिए लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन था, और ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट में आया और यहां पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ। अब दोस्तों हम यहां पर कुछ ड्रॉइंग्स को सुपर इम्पोज करते हैं चार्ट पर, ताकि हम प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से समझ सके। यहां देखिए मैंने स्ट्रक्चर पे डाला है प्राइस चार्ट को, तो ये देखिए प्राइस क्या थी, एक फॉलिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रही थी जब ये बेयर मार्केट में था दोस्तों, और जिसका यहां पर फाइनली इस चैनल का डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ दिसंबर 2020 में, और मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम देखा गया, और ये वॉल्यूम जो था कहीं ना कहीं एक एवरेज वॉल्यूम से बहुत अधिक था दोस्तों। और उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। फर्दर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को देखिए, जो पिछले बेयर मार्केट मतलब 2008 के बेयर मार्केट के पहले जो ट्रेंड लाइन वैलिड थी, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन का यहां पर ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन के बाद अपसाइड मूव में प्राइस ने यहां रेजिस्टेंस लिया, यहां मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया, और इवन इस ट्रेंड लाइन का एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, और ये डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ जुलाई 2021 में दोस्तों। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अब ये जो ट्रेंड लाइन अब यहां रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही थी, आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगी, और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन हो सकती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या लॉन्ग पोजिशनल व्यू को लेने के लिए। इसके अलावा अगर हम प्राइस एक्शन को समझें फर्दर दोस्तों, तो अगर हम इसे एक बुलिश फ्लैग का रूप के देखें, ब्रॉडर पिक्चर को समझने की कोशिश करें, तो ये एक पोल है बुलिश फ्लैग का, और ये जो है फ्लैग है जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ। तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखें, इसके आधार पर हम टारगेट निकालने की कोशिश करें कि ये एक इंपल्सिव वेव को एक आधार बनाए, और यहां पर देखिए मैंने मेजर किया और पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से मैं इसे प्रोजेक्ट करने की चेष्टा कर रहा हूं दोस्तों। तो इसका जो टारगेट है वो 1300 के ऊपर निकल के आ रहा है दोस्तों, और फिलहाल जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं तो 887.6 पर ये ट्रेड हो रहा है, तो काफी बड़ा क्वेश्चन नजर आता है। क्वेश्चन यहां पे समाप्त नहीं होता है दोस्तों टारगेट का। टारगेट को समझना है तो हमें बेहतर तरीके से समझना होगा कि रीसेंट टाइम में यहां प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट था, अब यहां पर ये एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है जो करीब 730 के वैल्यू पर है। अगर यहां प्राइस के रिजेक्शन को देखें तो प्राइस का एक 1075 पर प्राइस का रिजेक्शन हुआ मार्च 2015 में, तो इमीडिएट टर्म्स में हम इसे टारगेट के रूप में देख सकते हैं कि 1075 इसका इमीडिएट टर्म्स में एक टारगेट आने वाले समय में हो सकता है। और इसके बाद प्राइस रिजेक्शन 1200 रुपए पे है, तो दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं 1075 से 1201 का जो बैंड है ये एक सप्लाई बैंड एक्सपेक्टेड है, और यहां हम आशा कर सकते हैं कि प्राइस या तो ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगी तो करेक्शन होगा, और या फिर दोस्तों इस जगह पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसका ब्रेकआउट हो जाए, और अगर ये ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो ये एक मासिव ब्रेकआउट होगा, ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट होगा जो मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम होगा। और अगर इसके आधार पर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करने की चेष्टा करें दोस्तों, तो इसका टारगेट 2000 के ऊपर निकल के आता है दोस्तों। तो इस तरह के जब चार्ट फॉर्मेशन हमें नजर आते हैं, पिछले जब जून जुलाई में वीडियो आया था तब भी इस बात की चर्चा की गई थी दोस्तों आपके चैनल पे, तो जब हम इस तरह के स्टॉक के प्राइस स्ट्रक्चर को देखते हैं
इस स्टॉक में हमें ट्रेड के एंगल से नहीं देखना चाहिए, इसे हमें लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू लेना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में लेना चाहिए, जहां हमें ट्रेंड को राइड करना है एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले जाना है, ताकि हम रिस्क को तो मैनेज करें और प्रॉफिट को भी प्रिजर्व करने की दिशा में क्लियर कट स्ट्रेटजी क्रिएट होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में, ताकि प्राइस एक्शन को फर्दर फाइन ट्यून करके हमें स्टडी कर सके। अब दोस्तों ये सन फार्मा शेयर का वीकली प्राइस चार्ट है और इसमें हम क्या देख सकते हैं कि प्राइस का यहां पर रिजेक्शन था, यहां पर रिजेक्शन था, यहां पे मल्टीपल रिजेक्शन था, तो ये ऑलरेडी राउंडिंग पैटर्न जो था जो मार्च 2017 से बनना चालू हुआ था, जिसका फाइनली ब्रेकआउट हुआ दोस्तों जुलाई 2021 में, तो ये भी तो 4 साल का करीब करीब पैटर्न है दोस्तों, तो ये ग्राउंडिंग पैटर्न का तो ब्रेकआउट यहां पर हुआ है दोस्तों। अब इस बेसिस पे अगर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें तो ये देखिए इसका टारगेट जो है निकल के आता है 1180 पर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो लाइफ टाइम हाई बनाया है 1280 का, उसके पास जाने की संभावना तो बहुत प्रबल हो गई है। अब ये देखना है कि मंथली चार्ट में जो राउंडिंग पैटर्न है, जो मल्टी ईयर राउंडिंग पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। लेकिन जिस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है, हायर हाईज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर, और वीकली चार्ट पे हम देख सकते हैं जब भी करेक्शन हो रहा है, प्राइस ईएमए 21 पे सपोर्ट लेती है, ईएमए 21 पे सपोर्ट लेती है, ईएमए 21 पे सपोर्ट लेती है, तो इसका तात्पर्य है कि ईएमए 21 वीकली चार्ट में एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। क्या हम कोई ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं जो हमें पोजिशनल व्यू लेने में मदद करेगी और रिस्क को मैनेज करने में? तो ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन को खींचा, यहां पर प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट है, वंस अगेन यहां पे प्राइस सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रही है। तो ये ट्रेंड लाइन एक रेफरेंस लाइन है जिसके 180 नीचे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और एक बड़े टारगेट की तरफ में मूव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब रिसेंट टाइम में हम देखते हैं कि क्या यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर मैं दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। तो इस जगह पे देखिए यहां पर कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न है, जिसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ 31 जनवरी 2022 को, और यहां पर देखिए अब कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम का एक डिमिनिशिंग इफेक्ट देखते हैं, क्योंकि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई है। तो एक पॉसिबल करेक्शन की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जब प्राइस एक रिट्रेस कर सकती है और इस नेकलाइन को टेस्ट करने के लिए एक बार 855 के जोन में आने की संभावना हो सकती है दोस्तों। प्राइस दोस्तों कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगी, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इंपल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव इन द प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों आप डेली प्राइस चार्ट पर चलते हैं, ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून करके हम स्टडी कर सकें। अब दोस्तों सन फार्मा के शेयर को हम डेली प्राइस चार्ट में रेफर कर रहे हैं। यहां पर देखिए ब्यूटीफुल एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन है दोस्तों, और ये कप एंड हैंडल एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। शॉर्ट टर्म में जो डाउन ट्रेंड में आया था यहां मार्केट दोस्तों, यहां पर देखिए ईएमए 21 ने ईएमए 55 को क्रॉस एंटर कर लिया था, और उसके बाद टिपिकल री अक्यूमुलेशन बैंड यहां देख सकते हैं, और इसके बाद फिर मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का होता हुआ नजर आया। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही है, हम देख सकते हैं। अब यहां पर प्राइस कई दिनों से एक बहुत शॉर्ट रेंज में कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है, और प्राइस सटनली ओवर एक्सटेंडेड है दोस्तों, ईएमए 21 ईएमए 55 से फार ऑफ है प्राइस। तो इस समय पे करेक्शन की पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स हो सकती है। अगर हम इस लास्ट इंपल्सिव वेव के रिट्रेसमेंट की एनालिसिस करें दोस्तों, तो 38.2% आता है 857 पे, जो दोस्तों ये देखिए नेक लाइन डॉटेड लाइन है, इससे इसका इसकी वैल्यू आती है 851 पे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये रिट्रेसमेंट में 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट कर सकता है, जहां पे हमें ईएमए 21 का भी कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगी दोस्तों। तो ये संभावित एक करेक्शन हो सकता है, जो एक गोल्डन रेशियो के डेरिवेटिव तक इस करेक्शन को ला सकता है। और अगर डीपर करेक्शन हुआ तो दोस्तों ये करेक्शन एक संभावित है कि 820 रुपए तक हो सकता है, क्योंकि यहां पर ईएमए
55 का जोन है और ये गोल्डन रेशियो और 78.6% जो डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का उसका भी जोन है दोस्तों 812 से लेकर 830 के जोन तक एक करेक्शन हो सकता है। तो करेक्शन तो होंगे दोस्तों, लेकिन ओवरऑल व्यू बहुत बुलिश है। हमने आज लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में बात की, तो दोस्तों जो फ्रेश एंट्री करने का सोच रहे हैं तो वो एक बार वैल्यू जोन में जब करेक्शन होकर आ जाए जिसकी चर्चा की गई तब बेहतर एक रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलने की संभावना होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो सन फार्मा के शेयर पर पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।